माशाल्लाह जी, आज आप हमेशा की तरह फिर खूबसूरत लग रहे हैं, और इतनी गर्मी में आप माशाल्लाह कोट भी पहना हुआ है आपने, और वो एसी में तो 42 सेंटीग्रेड की गर्मी में आप इतना पहन के, तो जहाँ एसी ना हो वहाँ फिर ना पहना जाए, वहाँ कोट शोट ना पहने आप, मैं भी उतार देता हूँ कोट उसकी, मतलब बनियान पहन के बैठ जाए, क्या करें, वो मैं बताता हूँ आप वो क्या करें। लेकिन मेरा पहले सवाल मैं फ्रेम कर दूँ ना, सवाल मेरा ये है कि आप माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, आप लिबास में और ज़्यादा खूबसूरत बात है आपकी, और आपको सेंस भी है लिबास की माशाल्लाह। ये बताएं कि हम में से अक्सर लोगों को, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, नहीं समझ आती किस पैंट के साथ क्या शर्ट पहनी जाए, किस कलर की टाई किस कलर की लगाई जाए, ये कैसे पता चले हमें आपकी। ये लोहे साहब बात ये है कि ये शौक की बात है, कोई ऐसी कोई साइंस नहीं है, कोई लगे बंदे असूल नहीं है, दो चार असूल हैं वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा, लेकिन ज़्यादातर ये बात शौक की है। मुझे जब इस चीज़ का शौक़ पैदा हुआ तो मेरा ये ख्याल था कि पता नहीं आपके पास पूरी वार्डरोब होनी चाहिए सूटों की, तो फिर ही आप इस कुछ लिबासी का मुजाहरा कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं, दो चार सूट भी अगर आपके पास है तो आप उससे काम चला सकते हैं। तो आपके पास दो चार सूट ही? हाँ, मैं मतलब मुझे जो पसंद है वो दो चार ही। ठीक है, तो होता ये है कि आपने सिर्फ ये देखना होता है कि जो चीज़ पहनने में कम्फर्टेबल है और देखने में जच रही है, ये दो बुनियादी उसूल हैं, तो वो ठीक है। ठीक है, पहनने में कंफर्टेबल होना बड़ी ज़रूरी, ये नहीं कि आप पहन के उसको मुसीबत में आ गए हैं तो फिर वो चाहे जितनी मर्जी ठीक लग रही हो, आप अगर मुसीबत में होंगे तो उसका 38 साइज है तो आपने 36 की पैंट पहन ली, वो इसका इम्पैक्ट नहीं है, अजाब में। अच्छा, कुछ इसमें ना दो तीन बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने लाइनिंग वाला सूट पहना है तो आपने उसके साथ लाइनिंग वाली या चेक वाली शर्ट नहीं पहननी, फिर आपने सॉलिड कलर की प्लेन शर्ट पहननी है। ठीक है, ठीक हो गया। अगर आपने प्लेन सूट पहना है तो उसके साथ आप हल्की सी लाइनिंग वाली शर्ट पहन सकते हैं। इसी तरह अगर आपने लाइनिंग वाली टाई है तो कोशिश करें कि आपकी अगर आपकी लाइनिंग वाली शर्ट है तो कोशिश करें टाई जो है वो सॉलिड कलर की हो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी प्लेन शर्ट है तो आप डॉटेड टाई भी पहन सकते हैं और स्ट्राइप्स वाली टाई भी पहन सकते हैं। ठीक है, यानी बुनियादी बात यह है कि ये ना लगे बेहंगम, यानी कि सूट भी आपका लाइनिंग का हो गया, शर्ट भी और टाई भी स्ट्राइप्स वाली, तो ये सेंस नहीं बनाती, और सेंस की बात है। बिल्कुल ठीक है। और हमें ऑफिस का ड्रेस किस टाइप का होना चाहिए, पार्टी ड्रेस किस टाइप का और कैजुअल किस टाइप। मैं आपको बताऊं कि ये इसमें एक और बात इसमें थोड़ी सी मैं ऐड कर दूं कि जो टाई है आपकी और वो जो पॉकेट स्क्वायर है ये सूट है, ये ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल उसके साथ मैचिंग ना हो जाए। क्योंकि अगर आपने नेवी ब्लू कलर की शर्ट पहन ली और ब्लैक कलर के ऊपर टाई लगा ली तो वो कुछ पता नहीं लगेगा आपको टाई कहाँ से आ गई, मर जाएगा। बिल्कुल ठीक है। नहीं, अब आपने पॉकेट स्क्वायर जो लगाया हुआ है जी, अब ये मैचिंग है। ठीक है ना, ये मतलब टाई के साथ मैचिंग है, टाई के साथ मैचिंग। अच्छा, मैं इसमें एक और बात आपको बताऊँ, ब्लू वाइट और रेड, ये तीन तो ऐसे कलर्स हैं ना जो सूट में आपके साथ ये यूनिवर्सल है। मतलब आप बिल्कुल, आपको अगर जो है यानी अगर कुछ कुछ समझ नहीं आ रही है कि आप पहनना आराम से जो है ना ये ब्लू सूट निकालें, ठीक है, वाइट शर्ट और उसके साथ ब्लू या रेड टाई लगा लें, ये यूनिवर्सल इसका इम्पैक्ट। ठीक है, इसी तरह जो ब्लैक रॉयल ब्लू जो है, रॉयल ब्लू ब्लैक सूट जो है या ग्रे है, इसी तरह ये आपके पास तीन सूट हों, साथ आपके पास वाइट शर्ट, स्काई ब्लू शर्ट, रॉयल ब्लू शर्ट और तीन चार टाइयाँ इसी तरह की रेड ब्लू और इस तरह के मुख्तलिफ जो शेड होते हैं मैरून वगैरह, ये यूनिवर्सल है, ये आप किसी भी ओकेजन पर पहन सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और अब हमारे सुनने वालों को ये भी बताइए, देखने वालों को, कि जो बेल्ट है वो किसके साथ मैच की जाए। वो कोई इतना नहीं हार्ड एंड फास्ट, लेकिन नॉर्मली जिस कलर के शूज़ हों, ब्लैक कलर के शूज़ हैं तो ब्लैक कलर की बेल्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर टैन कलर के शूज़ हैं तो टैन कलर की बेल्ट होनी चाहिए। और ये किस कलर की पैंट के साथ किस कलर के, नॉर्मली अगर हमें मतलब हमारे पास है ग्रे कलर की पैंट है, ब्लैक तो हर एक के साथ चलेगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसके साथ आप टैन या डार्क ब्राउन जो है वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो बिल्कुल उसमें कोई वजह नहीं है। अच्छा, एक और बात यह है कि बाज़ अवक़ात ये लोग समझते हैं कि ये कोई बहुत ना महंगा शौक है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप नहायत नीट क्लीन पेंट शर्ट के साथ, शलवार कमीज के साथ भी बिल्कुल आप डिसेंट नज़र आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत अमीर लोग हैं, जिन्होंने बहुत महंगे कपड़े पहने होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि ये पहनना कैसे। लिहाजा ये बात आप दिमाग से निकाल दें कि इसके लिए कोई बहुत अमीर होना ज़रूरी, बिल्कुल भी अमीर होना ज़रूरी नहीं। यानी अगर आपने बहुत अच्छी बटन डाउन शर्ट आपके पास है, उसके साथ आपने उसी तरह की ड्रेस पैंट अच्छी जो आपके नाप की है, पूरी है, बहुत खुली नहीं है आपको, बहुत उसके पांचे को बहुत नीचे तक नहीं जा रहे,
یہ ہیں بنیادی باتیں, یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا. بالکل ٹھیک. اگر آپ نے اس طرح سے اگر پہنی تو یہ آپ کی بڑی اچھی نیٹ لک آئے گی. باقی رہ گئی آپ کی بات آفس کی اور یہ وہ, تو دیکھیں جس طرح کی پاکستان میں گرمی یا موسم ہے نا, اس اعتبار سے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کل جس طرح گرمی پڑ رہی ہے, تو لیکن اگر آپ کا آفس ایسا ہے جیسے آپ نے بینک میں جانا ہے یا کوئی کارپوریٹ ادارہ ہے, کمپنی ہے یا کوئی آفیسرس کی میٹنگ ہے اس طرح کی, تو آپ کو فارملی ڈریس اپ ہونا چاہیے. اب فارملی ڈریس اپ کا مطلب یہ ہے کہ یو شوڈ ویئر اے ٹائی. آپ نے اگر کوٹ نہیں پہننا, اگر وہاں پر ایئر کنڈیشننگ نہیں ہے تو پھر آپ کوٹ نہ پہنیں بے شک, لیکن ٹائی ضرور لگائیں. ٹھیک ہے, اس کا بہتر آپشن یہ ہے کہ اگر ایئر کنڈیشننگ ہے, اگر اس طرح کی ایگزیکٹو میٹنگ ہے تو پھر آپ سوٹ پہنیں پراپر. ٹھیک ٹھیک ہے. اور جو سمر سوٹ ہے وہ اسی موسم کے لیے بنا ہوا ہے, یعنی اس کا مطلب ظاہر ہے کہ وولن نہیں ہوتا تو آپ کو اتنی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اچھا, دوسرا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ شلوار سوٹ پہنیں. ٹھیک ہے, اچھا یعنی پراپر استری شدہ شلوار سوٹ ہو, اس کے ساتھ لیکن ویسٹ کوٹ ہو اور ایک پاکٹ اسکیئر ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کو ایک بڑی اچھی فارمل لک جو ہے وہ دے گا. تو اگر آپ کی فارمل میٹنگ ہے یا فارمل آفس میں آپ نے جانا ہے تو آپ کو اس طرح کے لباس جو ہے وہ. اچھا یاسر صاحب, ایک آخری سوال کا جواب دیجیے. یہ کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے سے تجربہ کرتے ہیں, یار میں اس پہ ریڈ شرٹ پہن کے دیکھ لیتا ہوں یا نیچے کوئی اور شرٹ اور یہ ٹائی, اپنا تجربہ. یہ تجربہ کیوں ناکام رہتا ہے لوگوں کا یا کیوں برا لگنے لگ جاتا ہے؟ میرا خیال ہے وہ ان کی شاید آرٹسٹک سینس کوئی اتنی درست نہیں ہوتی, مجھے یہ کہنا چاہیے. جیسے میں نے یہ تجربے کرنے سے گریز کرنا چاہیے. ہاں میں نے آپ کو بتایا نا, اس میں بہت آسانی سے آپ نہیں, آپ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے ایک بندہ اسی کو کاپی کر لیتا ہے, اس کو بری لگ رہی ہے, اس کی کیا وجہ؟ نہیں نہیں, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. اگر وہ اس کے سائز کی ہوگی, ہاں وہ اس نے پراپر اس کی ٹائی کی ناٹ بھی ٹھیک ہوگی, استری شدہ شرٹ ہوگی, سوٹ بھی اس کا اسی حساب سے اس کو فٹ ہوگا, تو پھر بالکل بوری نہیں لگے گی, پھر بالکل بالکل ٹھیک لگے گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سوٹنگ کے لیے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شلوار سوٹ اور ویسٹ کوٹ میں اچھے لگتے ہیں. بالکل ٹھیک. کچھ صرف پینٹ شرٹ اور ٹائی میں, کچھ صرف پینٹ شرٹ میں. ٹھیک ہے, کچھ کو کاٹن کے جو شلوار قمیض ہیں وہ بہت سوٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ نے خود جج کرنا ہے کہ آپ کس میں کمفرٹیبل ہیں اور آپ کو کیا چیز اچھی لگ رہی ہے. میں ہر شخص جو ہے وہ ہر قسم کے کپڑوں کے لیے نہیں ہوتا. میں پھر ذرا جا کے جج کر لوں ذرا کچھ. اجازت ہے.